दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में 4 दिन पहले जज के परिवार पर गनमैन द्वारा किए गए कातिलाना हमले के मामले में गुरुग्राम पुलिस आज मीडिया के सामने आई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हत्या की असल वजह बताई। पुलिस का दावा है कि आरोपी गनमैन महिपाल ने मार्केट में जज के बेटे ध्रुव के साथ हुए मामूली बहस के बाद जज के बेटे और पत्नी को गोली मार दी, लेकिन पुलिस की यह थ्योरी किसी के गले से नीचे नहीं उतर रही। देश की राजधानी के पास साइबर सिटी गुरुग्राम में शनिवार को एडिशनल सेशन जज की पत्नी की हत्या और बेटे पर हत्या के प्रयास से किए गए हमले की असल सच्चाई जानने के लिए पूरे देश की नजर बनी हुई है, इसलिए आज गुरुग्राम पुलिस मीडिया के सामने आई और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पुलिस ने दावा किया है कि घटना वाले दिन जज का परिवार महिपाल को लेकर गुरुग्राम के सेक्टर 49 मार्केट में गए थे, लेकिन जब जज की पत्नी और बेटा जब गाड़ी के पास वापस आए तो वहां पर महिपाल नहीं था। जब कुछ देर बाद महिपाल गाड़ी के पास आया तो जज की पत्नी रितु और बेटे ध्रुव ने महिपाल को डांटा कि वो कार को छोड़कर कहाँ चला गया, अपनी ड्यूटी ठीक ढंग से क्यों नहीं कर रहा। इसी बहस में जब जज के बेटे ध्रुव ने महिपाल से गाड़ी की चाबी मांगी तो महिपाल बहस करने लगा और इसी बहस के चलते महिपाल ने ध्रुव को गोली मार दी। जब महिपाल को रोकने के लिए जज की पत्नी रितु आई तो उनको भी गोली मार दी। 3:20 और 3:30 के करीब की घटना है, जब जो मैडम है वो अपने बेटे के साथ और महिपाल को साथ लेके मार्केट पहुंची है। मार्केट में जाके उन्होंने अंदर से कुछ दुकान से कुछ सामान उठाना था, वो उठाने के उपरांत जब वापस आई हैं तो उस वक्त महिपाल वहाँ पर स्पॉट पे नहीं था, और उससे पहले भी उन्होंने जब दुकान के अंदर थी महिपाल को स्पॉट करने की कोशिश की है क्योंकि उस वक्त उसको साथ होना चाहिए था, लेकिन जो नहीं मिला है उसी दौरान शॉपकीपर ने बताया कि उसको जो ढूंढने का प्रयास किए जा रहे थे, ये शॉपकीपर का बयान है कि मैडम उसको ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी, उनका बेटा उनको ट्रेस करने की कोशिश कर रहा था। जब वापस आए हैं तो क्योंकि गाड़ी की चाबी उसके पास थी तो गाड़ी की चाबी ढूंढने के लिए उसको ट्रेस किया गया है। उस दौरान जब उसको जब मिला है उसको फ़ोन किया गया है और फ़ोन करके जब वो आया है तो उसको जो भी कहा गया है उसके आवेश के चलते उसे शायद बेटे ने कहा है कि आप गाड़ी चाबी मुझे दे दीजिए, उसके आवेश के चलते उसने बेटे के साथ मारपीट की और जब मैडम ने इंटरव्यू करने की कोशिश की तो वो इतना आवेश में आ गया कि उसने दोनों के ऊपर गोलियां बरसा दी। सारा घटनाक्रम इस 10 मिनट के अंदर का है, इससे पहले की जो सारी बातें आप बोल रहे हैं या इससे बाद की जो स्थिति है, मैं आज तक के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ होगी हमारा PRO या कोई भी सीनियर अधिकारी आपके साथ शेयर करेगा। जो सबूत इस घटनाक्रम से घटना को और मुलजिम को और सारे हालातों को जोड़ेंगे उन सब के ऊपर अलग अलग पहलुओं से विचार किया जाके एक केस तैयार किया जा रहा है और हमें पूरा यकीन है कि जल्द से जल्द इस एक सशक्त केस को माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया जाएगा और ड्यूरिंग ट्रायल हम कोर्ट से रिक्वेस्ट भी करेंगे, डिमांड भी करेंगे कि अधिक से अधिक सजा ये दोषी को दी जाए। इस घटनाक्रम के सारे जितने भी अलग अलग पहलुओं में जानकारी के बाद हम एक निष्कर्ष पर जो पहुँचे हैं कि जो भी ये घटना हुई वो सारी सेक्टर 49 आर्किडिया मार्केट के सामने जो जितना भी टाइम गुजरा उस दौरान हुई है। वहाँ पे मैडम अपने बेटे के साथ मार्केट किसी काम से गई थी, उस दौरान जो ये PSO महिपाल उस टाइम अपनी ड्यूटी से किसी वक्त थोड़ा लेफ्ट राइट हुआ है, जो कि शॉपकीपर के बयानों से हमें पता लगा है कि वो लोग उसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे कि वो कहाँ पे है। उसके बाद जब वो लोग वापस गाड़ी के पास हैं तो गाड़ी के पास नहीं मिला है, उस दौरान शायद किसी बात के ऊपर उसकी उसको टोका गया है, उसकी गैर हाजिरी के बारे में उसको बताया गया है, जिस बात से उसने गुस्सा होकर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। सर, क्या आप विश्वासी तौर पर ये मान रहे हैं कि सिर्फ उसको जो टोका गया है क्योंकि वो कुछ देर के लिए गायब हुआ था, सिर्फ इस वजह से इतना गुस्सा आया कि मर्डर कर दिया गया? शुरुआती जांच में क्या निकल गया है, क्योंकि मोटिव सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, बिल्कुल आपको क्लियर कट बता दूं कि स्वयं महिपाल ने जज साहब के व उनके परिवार की बहुत तारीफ की है कि कभी भी किसी तरह की उसको कोई भी कोई दुख तकलीफ इस परिवार से नहीं मिला है। ये महिपाल अपने ही जो पुलिसिंग जॉब के अलावा जो कुछ है इसने काम करता, जैसे किसी पोन्जा स्कीम के तहत ही अटैच था या फिर इसके किसी रिलेटिव की एक ओला गाड़ी थी जिसको कभी कभी वो उसको चलाने के लिए बोल देते थे, इस तरह के कुछ एक चीज़ों चलते इसने अपने आप को इतना ज़्यादा उलझा रखा था कि शायद उन्हें लगता है कि इसका एक शॉर्ट टेम्पर का नेचर इसका किसी टाइम को उस दिन रहा होगा। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये बात बड़ी क्लियरली सामने आ गई है कि केवल और केवल उस वक्त के घटनाक्रम में जब इसको अपनी ड्यूटी के बारे में याद दिलाया गया है उस वक्त इसने आए अपने गुस्से के चलते
जब वो गाड़ी की चाबी उससे मांगी गई है कि आप कहाँ गया, वो चाबी आपके पास, आप चाबी दीजिए, मुझे सामान रखना है, उस दौरान के गुस्से के चलते उसने इस कदम को अंजाम दिया है। उसने पहले जो फ्रंट सीट पे उनका बेटा ध्रुव बैठा था उसके ऊपर अटैक किया है। जब मैडम ने इंटरवीन किया है तब उसने दोनों के ऊपर गोली चलाई। स्टार्ट करें।